बट यार आई जस्ट होप कि पम्बन ब्रिज चालू हो, मतलब वो आपको जरूर दिखाना है। रामेश्वरम गए, पम्बन ब्रिज नहीं दिखाया तो फिर कैसे होगा। ये देखो यहाँ पर वंदे भारत को निकाल दिया, ये देखो इतनी देर से ट्रेन को खड़ा करके ये वंदे भारत को निकाला। अब समझ आया कि इतनी देर से ट्रेन यहाँ क्यों खड़ी थी, क्या बात है। रामेश्वरम का आप मान लीजिए अराउंड 1200 किलोमीटर्स की जर्नी और ड्यूरेशन ऑफ जर्नी आप मान लीजिए 22 से 24 घंटे। कसी आहे पब्लिक, महादेव जी की कृपा से इस वेब सीरीज़ के व्लॉग नंबर 8 में आपका स्वागत है। एवरी डे व्लॉग्स आपके सामने आ रहे हैं। इससे पहले वाले व्लॉग में आपने देखा होगा कि यहाँ पर मरकापुर पर हमने साइन ऑफ किया था, अब यहाँ से मैं चला रामेश्वरम आपको दिखाने एक और ज्योतिर्लिंग प्लस चार धामों में से एक धाम। 5 मिनट पहले 00432 डिपार्ट हो चुकी है चित्रकूट भारत गौरव, जिसमें सिर्फ थर्ड एसी है। अब हमारी ट्रेन को यहाँ पर लगाया जाएगा 00434 कैलाश भारत गौरव। सोचिए दो दो ट्रेन इंडियन रेलवेज IRCTC एक साथ चला रही है, हवा चल रही होगी, उम्मीद है आवाज़ क्लियर है। बट यहाँ का आप वेदर देखिए लाजवाब, और रात में तो रेलवे स्टेशन देखिए क्या हो जाता है। मरकापुर का प्लेटफॉर्म नंबर 1 शुरू करें तो बस स्टाफ को स्टाइल पता था। कमॉन, पूरी 12 ज्योतिर्लिंग की ट्रेन यात्रा आप मेरे साथ वर्चुअली कर रहे हो, तो मैं हूँ आपके साथ, आप हैं मेरे साथ, और हम दोनों हैं #इंडियन रेलवेज के साथ। तो मेरा नाम है डोलेश और आप देख रहे हैं 200 जर्नीज। आज आएगा मज़ा पूरी की पूरी, इसमें खास कुछ दिखाने के लिए है नहीं, तो कि पूरा की पूरा ट्रेन व्लॉग आप देखिएगा बैक टू बैक। फाइनली आई कैन सी द ट्रेन, और जब भी ट्रेन आती है आपके दिल में क्या खुशी होती है, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया था ऐसा लगता है कि आप अपने घर वापस जा रहे हैं। भाई हॉन्किंग देखिए और क्या स्पीड में ट्रेन को लाया जा रहा है। भाई आराम से इस प्लेटफॉर्म पर रोकना, भाई रोकना है। ये आ गई आपके सामने 00434 कैलाश भारत गौरव। देखते हैं लोगों कौन सा इस वाले व्लॉग में करेंगे ट्रेन जर्नी। यस, हॉन्किंग आपके सामने देख लीजिए, क्या बात है। ये हो गया वेब सेवन हो गया टाटा नगर का। कोच देखना पड़ेगा, आई गेस A1 आगे की तरफ जाएगा, देखते हैं। कोच में भी शायद आगे की तरफ जाएगा, बट देखिए ट्रेन आ गई आपके सामने। सबसे पहले आपको बता दूँ, ट्रैवल बुकिंग्स के लिए मैं यूज़ करता हूँ वीगो ऐप, जहाँ पर आप वर्ल्ड वाइड फ्लाइट्स, होटल्स एंड टिकट बुकिंग्स कर सकते हैं। ये है बेस्ट ट्रैवल ऐप, बिकॉज वीगो कंपेयर करता है हंड्रेड्स ऑफ वेबसाइट्स और आपके सामने लेकर आता है एकदम चीपेस्ट फेयर्स। और अब वीगो आपके लिए लेकर आया है IRCTC का ट्रेन टिकट बुकिंग का ऑप्शन। तो जल्दी से मैं आपको इसके स्टेप्स बता दूँ। वीगो ऐप को ओपन कीजिए, ट्रेन आइकन पर क्लिक कीजिए, अपना अराइवल स्टेशन, डिपार्चर स्टेशन एंटर कीजिए विद द डेट ऑफ जर्नी, और जो भी ट्रेन पसंद आए उसको सेलेक्ट कीजिए। तो किस बात का इंतजार है, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तुरंत वीगो ऐप को डाउनलोड कीजिए। और हाँ, अगर ऐप आपके पास ऑलरेडी है अपडेट ज़रूर कीजिएगा, आपको मिलेंगे एक्साइटिंग फीचर्स प्लस IRCTC का ट्रेन टिकट बुकिंग का ऑप्शन। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर भारत गौरव को लगा दिया गया है। अब आपको बता दूं, मरकापुरम स्टेशन कोड हो गया MKP और हम चले रामेश्वरम, उसका स्टेशन कोड हो गया RMM। डिस्टेंस मान लीजिए लगभग 1100 किलोमीटर्स। टाइम कितना लगेगा आपसे जानना चाहेंगे? ऑलमोस्ट 20 आवर्स, लगभग 20 घंटे की जर्नी। पम्बन ब्रिज का बता रहे हैं, अभी श्योर नहीं है चालू है कि नहीं, कुछ नहीं पता, ये बता रहे हैं शायद एक स्टेशन पहले उतारा जाएगा, बस से लेके जाएंगे। बट यार आई जस्ट होप कि पम्बन ब्रिज चालू हो, मतलब वो आपको ज़रूर दिखाना है। रामेश्वरम गए, पम्बन ब्रिज नहीं दिखाया तो फिर कैसे हो, है कि नहीं। और कैसी चल रही है आपकी ज्योतिर्लिंग यात्रा, कैसी चल रही है? बहुत ही शानदार, मज़ा आ रहा है। क्या यादें, हमने इतनी फ़ोटोज़, इतनी रील्स, इतनी वीडियोज़ कि आप पूछिए मत। ट्रेन का डिपार्चर टाइम बताया गया है कुछ 8:30 के आसपास, लगभग 10 मिनट और डिनर हमारा ऑन बोर्ड होने वाला है। खातिरदारी में कोई कमी नहीं है, एकदम प्लान आइटिनरी चल रही है, उतर जाइए, चढ़ जाइए, खा लीजिए, सो जाइए अंदर और ट्रेन के अंदर नहा लीजिए, आपको और क्या चाहिए। दिस इज द बेस्ट लग्जरियस भारत गौरव ट्रेन, बिल्कुल राइट टाइम हमारी भारत गौरव ट्रेन डिपार्ट होने के लिए तैयार, शार्प 8:30। पहले बताया था कुछ 7:30 डिपार्ट होगी, बट बिकॉज काम लेट चल रहा था तो हमारा, आपने इससे पहले व्लॉग में देखा होगा, तो अब ट्रेन को थोड़ा लेट किया गया है आपके लिए, ढेर सारा एंटरटेनमेंट आपके लिए, ढेर सारा इन्फोटेनमेंट। मरकापुरम से डिपार्ट होने के लिए तैयार, और कौन कौन यहाँ से ये व्लॉग देख रहा है
जरा बताइएगा। आप ये वाला व्लॉग देखिए, आपके लिए जबरदस्त ट्रेन जर्नी और सब कुछ खाना पीना जो भी सब होगा सब कुछ पूरा विस्तार में दिखाया जाएगा। करंट वक्त रात के 9:15 बज रहे हैं और आप देखोगे वापस हम आए हैं डाइनिंग कार में और यहाँ पर अब डिनर स्टार्ट कर दिया गया है। थोड़ा बता दूँ क्या क्या दिया गया है। ये खिचड़ी हो गई, ये मैसूर पाक है ना, मैसूर पाक। ये कौन सी सब्जी है? ये लौकी के कोफ्ते, कोफ्ता मैंने लिया नहीं है। ये आलू मटर की सब्जी हो गई, सैलेड हो गया, पराठा हो गया और इस तरफ आप देखोगे ये हो गई दाल। यहाँ भी देख लीजिएगा ये आलू मटर, ये लौकी के कोफ्ते, बराबर। खाना पीना तो भाई साहब एकदम फर्स्ट क्लास। सुबह का ब्रेकफास्ट आपको बता दूँ, ब्रेकफास्ट लंच दोनों हमारा आज का भार हुआ था, बट डिनर हमारा अब ट्रेन में हो रहा है। खाना मैं आपको दिखा रहा हूँ रिव्यू, मतलब मानिए खाने की रिव्यू, जो ट्रेन का खाना उसको कोई भी रिव्यू नहीं चाहिए। खाना अगर आप देखोगे क्वालिटी वाइज देखिए, प्रेजेंटेशन वाइज देखिए, एकदम सब फर्स्ट क्लास। पेंट्री कार में, पेंट्री कार कोच में सब कुछ फ्रेश बनाया जा रहा है बाय शेफ। तो चलिए डिनर एंजॉय करेंगे ऑन व्हील्स। बाहर तो क्या अंधेरा है, बाहर के नज़ारे आपको क्या दिखाएंगे। बस ये है आज का हमारा डिनर। दाल दे दी एकदम गर्मा गर्म, भाई साहब मज़ा आ रहा, मज़ा। हमारी जर्नी का ये हो गया टेक्निकल हॉल्ट। स्टेशन बता दूँ नंदयाल, स्टेशन कोड हो गया NDL। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हमारी ट्रेन के अब लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर को यहाँ पर चेंज किया जाएगा। ये मानिए कल का पूरा दिन ट्रेन में निकलने वाला है। ऑफिशियल आइटनरी में बताया था कि कल दोपहर को 3 या 4 बजे हम पहुँच जाएंगे रामेश्वरम, बट अब बता रहे हैं पंबन ब्रिज इज़ नॉट वर्किंग राइट नाउ, आपको ये भी बता दूँ। और कल शाम को मे भी हम पहुँचेंगे रामेश्वरम कुछ शाम को 7 या 8 बजे। अब देखते हैं क्या होगा। रात के बज रहे हैं लगभग 11, बिल्कुल ऑन टाइम ट्रेन जा रही है। चित्रकूट भारत गौरव आगे की तरफ है। बस अब आपको बता दूँ मैं यहाँ सोने वाला हूँ, पूरा दिन हो गया, आराम करेंगे। अब मेरी आपसे सीधी मुलाकात कल सुबह होगी, देखते हैं कहाँ मुलाकात होती है। एक बार लोको पायलट प्लस यहाँ पर ट्रेन मैनेजर को चेंज हो जाए, सोचिए रात को 11 बजे लोको पायलट ट्रेन मैनेजर चेंज हो रहे हैं। ये है रेलवेज़ का मज़ा, मतलब इस सिस्टम को आप जितना समझोगे ना उतना कम। बाई एनी चांस अगर यहाँ से कोई ये व्लॉग देख रहा है ज़रा बताइएगा नंदयाल। आई गेस मैं तो पहली बार आऊँ, पर देखिए रात को क्या मज़ा आता है रेलवे स्टेशन पर। अ वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, सुबह के दिस इज़ 6:30 और आपको बता दूँ अब ट्रेन को स्टेशन पर रोक दिया गया है। ये है शॉलिंगूर, ये हो गया तमिलनाडु का रानीपेट डिस्ट्रिक्ट, जहाँ से हम निकले थे रामेश्वरम का। आप मान लीजिए अराउंड 1200 किलोमीटर्स की जर्नी और ड्यूरेशन ऑफ जर्नी आप मान लीजिए 22 से 24 घंटे। अब ट्रेन और लेट होगी तो देखते क्या होगा, बट जो सफ़र चलता है टूरिस्ट ट्रेन में सबसे अच्छी बात है टॉप क्लास कंफर्ट। और ये मानिए एक बार स्टेशन से ट्रेन निकली, मतलब जो आपका स्टेशन है वहाँ से निकली, तो गेट आपके परमानेंटली लॉक हो जाते हैं, मतलब गेट बीच में कहीं भी खोलना ही अलाउड नहीं है। वो तो हम मीडिया से तो शूट करने के लिए होता है। एक गर्मा गर्म कड़क चाय, जिंजर फ्लेवर मैंने आज लिया है, आप यहाँ सामने देख सकते हो सनराइज़ तमिलनाडु। चलिए आपके लिए छोटा सा होमवर्क, तमिलनाडु में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं ज़रा कमेंट करके बताइएगा और तमिलनाडु एरिया वाइज कौन से नंबर का स्टेट है ज़रा वो भी बताइएगा। देखिए यहाँ पर बस थोड़ी देर में डाइनिंग कार में हमारा ब्रेकफास्ट स्टार्ट कर दिया जाएगा।
मतलब स्टॉप नहीं है, वही सिग्नल लाइन क्लियर नहीं है, तो उसकी वजह से ट्रेन को रोक दिया गया है। बट आप देखिए लाजवाब भाई साहब क्या सफ़रनामा चल रहा है। उम्मीद है आप सब व्लॉग्स देख रहे हैं, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, एंड दिस इज़ व्लॉग नंबर 8। सच बता रहा हूँ एज अ व्लॉगर कितना मज़ा आ रहा है। एवरीडे शूट करिए, एवरीडे अपलोड करिए, आपके सामने बैक टू बैक जर्नीज, बैक टू बैक इन्फोटेनमेंट। ये देखो यहाँ पर वंदे भारत को निकाल दिया, ये देखो इतनी देर से ट्रेन को खड़ा करके ये वंदे भारत को निकाला। अब समझ आया कि इतनी देर से ट्रेन यहाँ क्यों खड़ी थी। क्या बात है, क्या स्पीड में गई है वंदे भारत, मजा आ गया, वाह। मैं सोच रहा था कि ट्रेन लेट चल रही है, बट अभी पता लगा है कि हम चल रहे हैं बिफोर टाइम लगभग 2 घंटे, और इसकी वजह से ट्रेन को बार बार लूप लाइन पे लगाया जा रहा है। पहले वहाँ लगाया गया, वंदे भारत वगैरह कोई ट्रेन क्रॉस की गई, अब हमको खड़ा कर दिया। स्टेशन का नाम क्या है? सेवूर। काटपाड़ी से आई गेस 5 या 10 मिनट पहले ही हमको फिर खड़ा कर दिया, और यहाँ पर ब्रेकफास्ट सर्व हो रहा है। आज वापस मिल गया पोहा। अरे भाई टूरिस्ट ट्रेन है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही है, मैं व्लॉगिंग में लग रहा था। पोहा हो गया, वापस कटलेट दिया गया, चाय कॉफ़ी जो भी आप लेना चाहें, और ऑन व्हील्स जब भी पोहा खाने को मिलता है मज़ा आ जाता है। बटर टोस्ट हो गया, जैम हो गया, आपको फ्रूट्स मिलेंगे, जूसेस मिलेंगे, खाइए भाई साहब दिन की शुरुआत खाने से। और आज का दिन तो पूरा की पूरा दिन मानिए लगभग ट्रेन में ही निकलेगा, तो क्या ही बोलें, खाते रहिए। और दिन की शुरुआत जब पोहे से होती है ना, मज़ा आ जाता। तमिलनाडु के वेल्लोर में आपका स्वागत है, जो जाना जाता है फॉर इट्स IIT। और आपको बता दूं अब हम पहुंचे हैं काटपाड़ी जंक्शन, स्टेशन कोड हो गया KPD। सबसे पहले आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क, यहाँ पर आएगा 3 शताब्दी रुकती है, कौन कौन सी रुकती है ज़रा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। ऑफिशियल टाइम है 9:35, ट्रेन चल रही है बिफोर टाइम, आप कह लीजिए आउटर पे ही खड़ा कर दिया। हमारी चेन्नई बेंगलोर डबल डेकर एक्सप्रेस शताब्दी वंदे भारत, ना जाने कौन कौन सी ट्रेन को क्रॉस कराया गया। स्टेशन लोकेटेड है कुछ अराउंड 230 मीटर्स अबव द सी लेवल, आप कह लीजिए पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड, और यहाँ पर अराउंड 230 ट्रेन्स हॉल्ट होती हैं। और आप देखोगे अब ट्रेन में वाटर रिफिलिंग होगी, लोको पायलट ट्रेन मैनेजर को चेंज किया जाएगा। अब यहाँ से ट्रेन जाएगी नॉन स्टॉप साउथ सेंट्रल रेलवे जोन का एक और रेलवे स्टेशन, और इंडियन रेलवेज का A1 कैटेगरी का रेलवे स्टेशन। मेरे को तो लग रहा है वॉशरूम में पानी ख़त्म हो गया भैया, पानी भरो यार। सच में मतलब सोच रहा है इतनी बड़ी यात्रा करना, और जब इतने सारे पैसेंजर्स ऑन बोर्ड हैं, हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, टेक्निकल चीज़ें हुई सब कुछ, क्या ज़बरदस्त लगता है। काटपाड़ी देखिए, पहले भी मैं यहाँ पर कई बार आया हूँ, अब देखते हैं आगे सफ़रनामा हमारा क्या चलता है। यार उतरने को मिलता है ना, ये तो मूड फ्रेश होता है। मैं तो ये भी सोच रहा हूँ हमारे संग बापूजी भी ऑन बोर्ड हैं, पीछे सलून लगा हुआ है। आप सोचिए इतना बैक टू बैक ट्रैवल करना, फिर राम कथा करनी, सब खाने पीने का ध्यान रखना, और पूरी टीम उनके साथ ट्रैवल कर रही है। लगभग ये मानिए 24/7 दे आर वर्किंग, मतलब उनका तो कोई शेड्यूल ही नहीं है, खाने का पता नहीं, पीने का पता नहीं। बट सच में कहना पड़ेगा, मतलब बापूजी एट दिस एज बैक टू बैक ट्रेन जर्नीज कर रहे हैं, फिर उतरते हैं, फिर राम कथा करते हैं, फिर वापस आते हैं, और फिर ट्रेन में चल पड़ते हैं। मतलब इस एज पर इतना एक्टिव रहना, मतलब आप सोचिए ये राम जी की ही तो कृपा है। एक बार मेरे संग जोर से बोल दीजिए, हर हर महादेव, हम चले रामेश्वरम, हमारा ज्योतिर्लिंग नंबर 5। पूरी ज्योतिर्लिंग यात्रा देखिए, 12 की 12 ज्योतिर्लिंग मैं आपको वर्चुअली दिखाऊंगा। आज की डेट आपको बता दूं, डेट ऑफ जर्नी दिस इज 28th जुलाई, दोपहर के बज रहे हैं 1:30, और यहाँ पर लंच शुरू किया गया। जरा बताइएगा क्या क्या है। कढ़ी है, पालक पनीर है, सैलेड, पराठे, मिक्स वेज सब्जी, और यहाँ पर कर्ड वगैरह, जूसेस वगैरह, वो तो क्या, और पराठे हो गए, जो भी आप चाहें है ना। मेरे को तो ऐसा लग रहा है दिन प्रतिदिन यहाँ पर कंटेंट या खाना और बेटर होता जा रहा है। आज तो पालक पनीर दे दी, क्या बात है, मेरी फेवरेट। ये मानो अभी मस्त
डेढ़ घंटे सो के आ रहा हूँ मस्त। आपको शायद उनको दिख रहा होगा, शायद मेरे फेस पे आपको दिख रहा होगा, मस्त सो के आ रहा हूँ और अब लगी है ज़बरदस्त भूख। और एक और चीज़ है, ये लोग क्या अनाउंस कर देते हैं, जैसे आप अपने कोच में रहोगे तो अनाउंस कर देते हैं कि ब्रेकफास्ट स्टार्ट कर देगा, लंच स्टार्ट कर देगा, तो आप इस डाइनिंग कार में आ जाइए। वन ऑफ द मोस्ट लग्जरियस डाइनिंग कार जो आपको रेलवेज में देखने को मिलेगा, लाजवाब यार। खाने की तो आपसे कह रहा हूँ ऑन बोर्ड, हाँ ट्रेन में जो मिलता है इसकी तो जितनी तारीफ कर लो उतनी कम, एकदम फ्रेश पेंट्री कार में सब कुछ बनाया जा रहा है। और यहाँ पर जो सर्विंग स्टाफ है इनकी मेहनत सोचिए। और आज तो ऐसा लग रहा है आज तो बिल्कुल वेल ले हम कह रहे ना, आज तो इतनी फुर्सत में है कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं। खाओ फिर सो जाओ, फिर अनाउंसमेंट होगा फिर आ जाओ फिर सो जाओ। स्टेशन का नाम है मयिलादुथुरई जंक्शन, इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग करेक्ट, कोड हो गया MV। ऑफिशियल टाइम यहाँ का था 3 बजे, हम आए हैं 2:30। कोशिश मैं देख रहा हूँ जो ट्रेन मैनेजर हैं प्लस जो हमारा रेलवे बोर्ड है मतलब कंट्रोल रूम, उनसे कंटिन्यूस बात की जा रही है कि हमको रामेश्वरम बिफोर टाइम पहुँचाया जाए ताकि दर्शन हो सकें, बिकॉज कल कुछ फेस्टिवल है उसकी वजह से रामेश्वरम के जो टेम्पल हैं वो बंद है। अब काफ़ी लोगों के सवाल आए थे कि भैया हम ये वाला टूर कैसे बुक करें, आपको ये बता दूं ये एक्सक्लूसिव टूर है और ये आपको IRCTC की वेबसाइट पर नहीं मिलेगा, बिकॉज बापूजी ऑन बोर्ड हैं, राम कथा भी हो रही है और रेलवेज़ का IRCTC का फ़िलहाल कोई ऐसा टूर नहीं है मेरे हिसाब से जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग कवर्ड हैं, 6 या 7 का है, सो दिस इज़ वेरी एक्सक्लूसिव। बाकी जितनी भारत गौरव ट्रेन है आप IRCTC tourism.com करके वेबसाइट है, जो भी चलने वाली है रामायण एक्सप्रेस हुई, अलग अलग रूट पर भारत गौरव ट्रेन चल रही है तो आप वहाँ के थ्रू बुक कर सकते हो। कोच से आप बाहर उतरिए और यहाँ का मौसम देखो, ये होता है मतलब केदारनाथ में इतनी ज़बरदस्त ठंड थी, अब हम चले टुवर्ड साउथ और यहाँ है गर्मी। इसलिए कहता हूँ 18 दिन अपनी तबीयत का ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए और भरपूर मैं तो आपसे कहूँगा महादेव जी की कृपा बरस रही है, यात्रा चल रही है और आप वर्चुअली मेरे संग पूरा दिस इज #, देखो अपना देश। आई एम गोइंग टू रामे, ट्रेन इज गोइंग टू रामेश्वरम, रामेश्वरम टूरिस्ट ट्रेन है। साउथ इंडिया के लोग और साउथ इंडियन लोगों की लैंग्वेज क्या बात है। उस तरफ आप देख लीजिएगा प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ी है, ये हो गई चेन्नई जनशताब्दी जो रात को पहुंचेगी करीब 9:30 बजे। इस तरफ आप देख लीजिएगा हम आए हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, यहाँ पर गाड़ी में वाटर रिफिलिंग वगैरह की जा रही है, ट्रेन के लोको पायलट प्लस ट्रेन मैनेजर को यहाँ पर चेंज किया जाएगा। मुझे लग रहा है ट्रेन में पानी कुछ ज़्यादा ही यूज़ हो रहा है, हर टेक्निकल हॉल्ट पे पानी वाटर रिफिल किया जा रहा है। और इस तरफ आप देख सकते हो यहाँ पर आपके सामने डीजल लोको भी देखिएगा, अभी तो देखिए जर्नी चल रही है आपके सामने, इतनी इन्फॉर्मेशन। बट ये कहना पड़ेगा साउथ इंडिया के लोग थोड़ा बहुत लैंग्वेज का पंगा होता है, बट खैर कोई बात नहीं। तमिलनाडु के एक और रेलवे स्टेशन पर आपका स्वागत है, तिरुवारूर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे। सबसे पहले आपको दिखा दूँ प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर अगर आप देखोगे यहाँ आपके लिए खड़ी है सिकंदराबाद रामेश्वरम सुपरफास्ट। और आपको पता ही है रामेश्वरम वाली जो लाइन है वो इलेक्ट्रिफाइड नहीं है, तो यहाँ पर आप हमको दे दिया टेक्निकल हॉल्ट। आगे है अगर आप देखोगे मैं जो मैंने आपको दिखाया था डीजल लोको, अब यहाँ पर लोको चेंज किया जाएगा और डाला जाएगा डीजल, इलेक्ट्रिक लोको है अब डाला जाएगा डीजल लोको। बिल्कुल देखो आगे जाना पड़ेगा, वो पॉसिबल नहीं है, अगर मैंने आपको लोको दिखाया फिर पूरा मेरे को भाग के पीछे आना पड़ेगा। और टूरिस्ट ट्रेन है तो क्या इसमें गेट हो जाते हैं बंद, तो थोड़ा बहुत वो रिस्की है। तो अब ये जान लीजिए कि लोको चेंज होगा, जब मैंने रामायण एक्सप्रेस में ट्रैवल किया था तो लोको चेंज हुआ था त्रिचुरापल्ली पर, बट इन्होंने इसका लोको यहीं चेंज कर दिया। बिल्कुल प्रायोरिटी पर ट्रेन को निकाला जा रहा है, बाकी सब ट्रेन को लूप लाइन पर। भाई साहब हमारी कैलाश भारत गौरव ट्रेन को निकालिए, बिल्कुल ए से पहुँचाना, पता नहीं चित्रकूट भारत गौरव ट्रेन फ़िलहाल कोई आइडिया नहीं। इसका स्टेशन कोड हो गया TVR। अगर यहाँ से कोई ये व्लॉग देख रहा है ज़रा बताइएगा, देखो
पूरे प्लेटफॉर्म पर जब ट्रेन खड़ी होती है क्या जबरदस्त लुक आता है। बताओ आपको ऐसी आजादी कहीं मिलेगी? व्लॉगिंग कीजिए। मैंने कहा ना मीडिया का पास दे दिया, दिखाइए लोगों को जितनी इन्फॉर्मेशन जितनी जानकारी आप दे सकते हैं दिखाइए। लगभग मान लीजिए 30 मिनट्स का ब्रेक यहाँ पर दिया जाएगा, बिकॉज ट्रैक्शन पावर चेंज होगी, प्लस वापस बता रहे वापस वाटर रिफिलिंग होगी। मैं पीछे की तरफ जा रहा हूँ, थोड़ा बहुत देखते हैं। बट यार ये धूप देखिए आप, सच में इस तरफ आपको और दिखा दूँ ज़रा स्टेशन। भाई देखो हमारा ट्रैवल व्लॉगिंग का यही जिम्मेदारी है, देखो इस तरफ आप देख लो, ये और हो गया तमिलनाडु। क्या बात है, मज़ा आ रहा है घूमने में, मज़ा आ रहा भाई साहब। नहीं लोको, मैं सोचा था बाय एनी चांस जो डीजल लोको है अगर वो यहाँ से जाए तो आपको दिखाऊं, बट ना यहाँ पर कोई लोको ही नहीं खड़ा, तो आई गेस जो डीजल लोको लगेगा वो ऑलरेडी आगे ही है। खैर कोई बात नहीं, आप देख लीजिए मज़ा आ रहा है। अभी तो आप बैक टू बैक व्लॉग्स देखते जाइएगा, पूरी सीरीज़ प्लेलिस्ट का लिंक आपको बताइए डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मेरे साथ कीजिए 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा और 3 धाम की यात्रा वर्चुअली। कोई बात नहीं, अगर आप फिजिकली ट्रैवल नहीं कर सकते कोई बात नहीं, टीवी पर कास्ट कीजिए और मेरे साथ। दिस इज #ट्रैवल विथ डोलेश। शाम के बज रहे हैं 6 और बाहर के तमिलनाडु के आप नज़ारे देखिए, पेड़ ही पेड़ जहाँ तक आप देखोगे, नेचर ही नेचर। और यहाँ चल रही है एक कड़क गर्मा गर्म कॉफ़ी, इन्होंने केक दिया है, प्लस यहाँ पर एक बिस्किट भी दिया गया है। सरप्राइजिंगली ना ही समोसा है हाँ, और ना ही कुछ भी पकौड़ा वगैरह कुछ भी नहीं है। यही होता है टूरिस्ट ट्रेन में, टाइम का भैया आगे पीछे सब होना ही होना है। मैं तो बस महादेव जी से दुआ कर रहा हूँ कि हमारी ट्रेन जिस स्टेशन पहुँचनी है वहाँ पहुँच जाए टाइम से, और फिर वहाँ से रामेश्वरम बाय बस बाय गाड़ी देखेंगे जो भी होगा। बट आज का पूरा दिन कितना सुकून में, सच में पिछले 6-7 दिन से चल ही चल रहे हैं धूप में गर्मी में, एक कड़क कॉफ़ी। और उम्मीद है आप ये वाला व्लॉग खाना खाते हुए देख रहे हैं। कल शुरुआत की थी करीब 9 बजे, राइट नाउ इट इज़ 8 o'clock। माना मदुरई का ऑफिशियल अराइवल टाइम था 8:30, हम आए हैं 8 बजे। आप मान लीजिए अराउंड 1200 किलोमीटर्स की जर्नी होती है ख़त्म। पंबन ब्रिज चालू नहीं है तो इसकी वजह से हम रामेश्वरम डायरेक्ट नहीं गए। अब यहाँ से आप देख सकते हो टैक्सी गाड़ी वगैरह इन्होंने अरेंज किया फर्स्ट क्लास। यहाँ से हम जा रहे हैं रामेश्वरम होटल, लगभग 2 से 2.5 घंटे की बस जर्नी, कैब जर्नी। बाबूजी हमारे संग ऑन बोर्ड है, बस यहाँ पर यही चल रहा है। व्लॉग नंबर 8 मैं यहीं एंड कर रहा हूँ, आगे की कहानी मेरी जुबानी, आपको देखना है नेक्स्ट व्लॉग। प्लीज़ ध्यान रखिएगा प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, बाकी सब व्लॉग्स देखते जाइए। बट कहना पड़ेगा अरेंजमेंट देखिए, पूरे प्लेटफॉर्म पे रेड कारपेट, मतलब ऐसा लग रहा है पैसा तो इतना खर्च किया जा रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं। ठीक है, दिस इज़ डोलेश साइनिंग ऑफ फ्रॉम 200 जर्नीज, धमाकेदार स्वागत। और मतलब वही है, आप जितना देखोगे जितनी तारीफ करोगे उतना कम। ठीक है, मिलेंगे आपसे बहुत जल्द, टाटा टेक केयर। अब ये सोच रहा हूँ यहाँ से 2 से 2.5 घंटे बाय रोड, भाई आपको इतना ट्रैवल करना है, पेशेंस रखिए और हेल्थ बनाए रखिए बस, ठीक है ना।